तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेकर आ गए एक बहुत ही शानदार रिचार्ज एप्लीकेशन, जहाँ से यदि आप रिचार्ज करते हैं तो 4 से 5% का आपको ग्रांटेड कैशबैक मिलता है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। दोस्तों यदि आप गूगल पे, फ़ोनपे या किसी पेटीएम से रिचार्ज करते होंगे तो वहाँ पर कुछ भी आपको नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों इस एप्लीकेशन से रिचार्ज यदि आप करते हैं तो यहाँ से आपको 4 से 5% तक का ग्रांटेड आपको कैशबैक मिलेगा ही मिलेगा। वैसे ना दोस्तों, इसमें आप जियो का रिचार्ज करें, वोडाफोन का रिचार्ज करें, आप डीटीएच रिचार्ज करें, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करें या आप आधार कार्ड से पैसा निकालें, सारे के सारे सुविधा एक ही एप्लीकेशन मिल जाता है और वो भी विदाउट 1 रुपया लगाए। हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप बिल्कुल फ्री में इस एप्लीकेशन का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कौन सा एप्लीकेशन, उसमें कैसे आपको साइनअप करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे क्या करना है, सारा का सारा प्रोसेस हम इस वीडियो में आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर आ जाना है और आकर के यहाँ पर सिंपल से क्या करना है, यहाँ पर सर्च करना है जी स्मार्ट रिचार्ज। ठीक है, जी स्मार्ट रिचार्ज लिख के आपको सर्च कर देना है। जैसे जी स्मार्ट रिचार्ज करके सर्च करेगा, आपके सामने एप्लीकेशन का लुक और इंटरफेस कुछ इस पर करके आएगा। इस एप्लीकेशन का इंटरफेस भी काफ़ी अट्रैक्टिव है और दोस्तों इसका रेटिंग भी 4.2 का है और दोस्तों यहाँ पर देख सकते 5000 से ज़्यादा लोग इसी एप्लीकेशन को यूज़ भी कर रहे हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन को यदि आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल नहीं किए होंगे तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए बोला जाएगा। मैं ऑलरेडी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा हूँ तो मैं इसे डायरेक्टली ओपन कर लेता हूं। जैसे मैं यहां पर ओपन करूंगा, मेरे को यहां पर यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा। तो दोस्तों सिंपल से क्या करना है, यहां से आपको साइनअप कर लेना है। साइनअप करने का सिंपल, साइनअप नाउ पर क्लिक करना है। जैसे यहां पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहां पर आने पर दोस्तों आपको सिंपल से क्या करना है, यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद आपको यहां पर ई मेल आईडी डालना है, उसके बाद यहां पर नाम डालना है। तो दोस्तों सिंपल से क्या करना है, रजिस्ट्रेशन मी पर क्लिक करना है। जैसे यहां पर सब कुछ डालिएगा ना, आपको सिंपल से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। चलिए यहां पर डाल करके आपको बता देता हूं। फाइनली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मेरा सक्सेसफुली हो चुका है और दोस्तों मेरे को व्हाट्सअप पर आईडी पासवर्ड मेरा मिल चुका है। दोस्तों मैं आपको लाइव सब कुछ दिखाता हूँ कि मेरे को व्हाट्सअप पर आईडी पासवर्ड मिला है कि नहीं मिला है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे को यहाँ पर WhatsApp के जरिए मेरे को मैसेज आ चुका है और दोस्तों यहाँ पर आपको इनबॉक्स के थ्रू भी आपको मैसेज आ जाएगा आपके मोबाइल पे। ठीक है, तो दोस्तों आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पर अपना आईडी जो पासवर्ड है सिंपल से क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ और करके आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप यहाँ पर आगे बढ़िएगा दोस्तों, आपको सिंपल से आईडी और पासवर्ड डाल के आगे बढ़िएगा दोस्तों, आपके यहाँ पर ओटीपी डालने के लिए बोला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल से आपके मोबाइल पर ओटीपी आ जाएगा। दोस्तों मेरे मोबाइल पर ऑलरेडी ओटीपी आ चुका है तो मैं यहाँ पर ओटीपी डाल करके लॉग इन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर यदि आपका मोबाइल में वही सिम है तो आपको ऑटोमेटिक ले लेगा। यदि आप दूसरे मोबाइल में सिम रह के यहाँ से चलाते हैं तो यहाँ से भी आप लॉग इन कर सकते हैं ओटीपी डालकर। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा सक्सेसफुली मेरा यहाँ पर आईडी क्रिएट हो चुका है। और दोस्तों आप सोचोगे कि अब डायरेक्टली पैसा ऐड करके रिचार्ज करें, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। दोस्तों सिंपल से आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस व्हाट्सएप पे अपना क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर आपको आधार कार्ड का फोटो भेजना पड़ेगा फ्रंट पेज का। उसके बाद आपको सिंपल से यहाँ से आईडी अपग्रेड करके आपको अपग्रेड करा लेना। ठीक है, जैसे यहाँ पर आधार कार्ड का फोटो भेजिएगा दोस्तों, आपका आईडी ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा। या आप यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करके यहाँ से आप माई केवाईसी भी यहाँ से कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर अपना होम पेज प्रोफाइल यहाँ पर सब कुछ चेंज, पासवर्ड भी कर सकते हैं, अपना पासवर्ड भी बदल सकते हैं, पिन भी बदल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, यहाँ से कंपनी से कंटेक्ट भी कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देते हैं यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से सब कुछ कर सकते हैं, मतलब प्रीपेड रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच, पोस्टपेड और दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी कर सकते हैं, ऐड मनी और डायरेक्ट दोस्तों एपीएस का भी सुविधा आप यहाँ से ले सकते हैं। और ऐड मनी करने के सिंपल चार्ज ऐड मनी कर सकते हैं, इसका मिनिमम ऐड मनी 200 रुपया। दोस्तों ऐड करने सिंपल ऐड मनी पर क्लिक करना है दोस्तों, डायरेक्ट यहाँ से अपना ऐड मनी भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, जैसे यहाँ पर ऐड मनी पर क्लिक करें दोस्तों, आप डायरेक्टली फ़ोनपे, गूगल पे वगैरह से यहाँ पर ऐड मनी कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से UPI ID से भी आप यहाँ से ऐड मनी कर सकते हैं और दोस्तों और भी जगह से आप यहाँ से ऐड मनी कर सकते हैं। अभी दोस्तों मैं यदि यहाँ पर 3 रुपये में क्लिक करूँ दोस्तों, आप यहाँ से कमीशन भी सेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से कमीशन भी आप यहाँ से देख सकते, प्रीपेड का यहाँ पर कमीशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। यदि आप यहाँ पर क्लिक करिएगा तो दोस्तों आप यहाँ पर प्रीपेड भी और पोस्टपेड का भी कमीशन देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको जियो में 3.5% कमीशन मिलेगा और दोस्तों एयरटेल में दोस्तों 2.5%, वोडाफोन में भी 3.5% और दोस्तों BSNL में 4.5% तक आपको कमीशन मिलेगा। ITM में आपको अच्छे खासा कमीशन मिलेगा और भी बहुत कुछ है। और दोस्तों यदि आप DTH पे रिचार्ज पे क्लिक करते हैं तो DTH भी आपको बहुत अच्छा कमीशन मिलेगा, प्लस में आपको फास्टैग यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी पर भी कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर परसेंटेज आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और दोस्तों सिंपल से आपको यहाँ पर ऐड मनी करने के लिए दोस्तों जो भी आप सुविधा पाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको
सबसे पहले अपना आईडी अपग्रेड कराना पड़ेगा, ठीक है। यानी आईडी अपना आपको केवाईसी करना पड़ेगा। केवाईसी पे आकर के आप यहाँ से अपने से भी केवाईसी कर सकते हैं, फुल नेम, नाम हो, मिडिल नेम, यहाँ पर आधार कार्ड, आप यहाँ से इमेज उमेज अपग्रेड करके यहाँ से आप अपना खुद से केवाईसी भी कर सकते हैं। यदि आपको केवाईसी करना नहीं आता है तो सिंपल से क्या करना है, आपको इसके मतलब कस्टमर सपोर्ट के नंबर पर आपको सिंपल से करना स्क्रीनशॉट डाल देना है आधार कार्ड का, और दोस्तों आपका आईडी अपग्रेड हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, पैसा ऐड उस समय मेरा नहीं हो रहा था क्योंकि दोस्तों मेरा आईडी अपग्रेड नहीं था। अभी दोस्तों मैं अपना आईडी अपग्रेड करा लिया हूँ और दोस्तों मेरा पूरी तरह से आईडी एक्टिवेट हो चुका है, और दोस्तों मैं यहाँ से पैसा भी ऐड कर सकता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों यहाँ से पेटीएम, फ़ोनपे, मोबीक्विक या मतलब यूपीआई आईडी से सिंपल से मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, उसी प्रकार से आप यहाँ से रिचार्ज करना है प्रीपेड पर, प्रीपेड पर क्लिक करना है, और दोस्तों सिंपल एयरटेल करना है तो जियो करना है तो जियो का, एयरटेल पर करना है जियो, जिससे आपके यहाँ पर सिंपल कोई भी आप यहाँ से नंबर डालते हैं। नंबर डालने पर दोस्तों यहाँ पर व्यू प्लान पर क्लिक करते हैं, व्यू प्लान पर क्लिक करने पर दोस्तों यहाँ से आपको सही नंबर डालना है, ठीक है। जो कोई भी मैं नंबर डाल दिया हूँ, ठीक है, मैनुअली आप भी यहाँ पर कोई भी नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं और दोस्तों यहाँ से चेक कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक नंबर डालता हूँ और नंबर डालने के बाद मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, मैं एक वैलिड नंबर डाला हूँ, गलत नंबर डालेगा था आपको यहाँ पर नहीं बताएगा। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से सब कुछ, यहाँ से रिचार्ज डाटा जो भी रिचार्ज करना, सिंपल आप सेलेक्ट कर रिचार्ज बटन पर जैसे करिएगा आपका रिचार्ज सक्सेसफुली हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो सब कुछ वी आई का है, एयरटेल का है, और दोस्तों कमीशन से भी आपको बंद दिखा दिया हूँ, ठीक है। और प्लस में ए पी एस का भी सुविधा भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, यदि आप यहाँ से अपना सर्विस एक्टिवेट कराते हैं तो, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान से इस अप्लीकेशन का आप आई डी ले सकते हो। तो ये था आज का वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, इस चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।